हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। सो आज के इस योगा रीडिंग में गाइस मैं देखने वाली हूँ नेक्स्ट 7 डेज की एनर्जी। नेक्स्ट 7 डेज गाइस कैसे रहने वाले हैं आपके लिए, आपके रिलेशन के लिए, आपके करियर के लिए, ऑल ओवर जो भी एनर्जीज मिलेंगी गाइस मुझे नेक्स्ट 7 डेज में आपके लिए मैं एनर्जीज़ को ले लूँगी यहाँ पर। सो जनरल रीडिंग है गाइस, आप सभी के साथ में जो है रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है एंड नहीं भी कर सकती है। सो देख सकते हैं आप इस रीडिंग को अगर आपके साथ में एनर्जीज मैच करती है। टाइमलेस बना रही हूँ गाइस इस रीडिंग को। सो जब भी रीडिंग आपको मिलती है अगले 7 दिन के लिए आप इस रीडिंग को चेक कर सकते हैं कि आपके लिए क्या कुछ एनर्जीज रहने वाली है नेक्स्ट 7 डेज में, क्या कुछ मिल रही है मुझे। फर्स्ट एनर्जीज चेक कर लेती हूँ। तब तक के लिए गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखें ओम नमः शिवाय एंड अपना नेम ज़रूर से लिखें कमेंट सेक्शन में, ताकि एनर्जीज जो है आपके साथ में कनेक्ट कर सके। नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहने वाले हैं आपके लिए। ओके सो फर्स्ट एनर्जीज कॉन्शियसनेस, फ्रेंडलीनेस की एनर्जी यहाँ पर, साइलेंस। नेक्स्ट 7 डेज में गाइस कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है, जैसे कोई पास्ट के पर्सन अगर आपके हैं तो कोई पास्ट से ऐसे पर्सन है जो मुझे बहुत ज़्यादा उनके साथ में आपकी एनर्जीज अच्छी नज़र आ रही है, या अगर वो आपके साथ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो बहुत ज़्यादा आपकी उनके साथ में जो अंडरस्टैंडिंग है मुझे अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। कुछ मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है गाइस नेक्स्ट 7 डेज में अगर आपको अपने लाइफ में किसी बारे में भी अगर क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, करियर में या फिर रिलेशन में किसी भी चीज़ में अगर आप क्लैरिटी चाहते थे तो कोई क्लैरिटी मुझे आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। कुछ इस वीक में जैसे आप जानोगे कुछ ऐसा है जो बहुत ज़्यादा आप समझोगे जिस चीज़ को, ऐसा एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। साइलेंस की एनर्जी हो सकती है कि शायद इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा साइलेंस हैं या बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं, सोचते बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा आप किसी किसी बात को गहराई में सोच रहे हैं गाइस। इस वीक में कोई बात ऐसी है जो बहुत ज़्यादा आप मुझे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, गहराई से बहुत ज़्यादा उस चीज़ को सोच रहे हैं। कुछ चेंजेस हैं जो बहुत तेज़ी से मुझे आपके रिलेशन में या फिर आपके करियर में आते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आ रहे हैं इस वीक में, जो एक बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव चेंज हो सकते हैं। कोई अच्छी न्यू बिगनिंग हो सकती है, कोई नई शुरुआत हो सकती है। अगर आप न्यू शुरुआत कोई करना चाहते हो अपने करियर में या फिर बिजनेस में या किसी भी चीज़ में, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि न्यू एनर्जीज मुझे आती हुई नज़र आ रही है जो बहुत ज़्यादा अच्छी है। कोई न्यू बिगनिंग आप कर सकते हो नेक्स्ट वीक में। कुछ एनर्जी यहाँ पर ऐसी भी है कि जैसे नेक्स्ट वीक में बहुत ज़्यादा आपका हार्डवर्क से भरा रह सकता है, कि बहुत ज़्यादा आप किस चीज़ में मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग वीक हो सकता है आपका, कि जैसे आपको उसमें थकान हो सकती है बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने की वजह से। फिर बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग सकता है कि आपके ऊपर अचानक से जो वर्कलोड है बढ़ गया है, काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और आप कहीं ना कहीं उसमें से कुछ टाइम अपने लिए निकालना चाहोगे, ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर कुछ मुझे नज़र आ रही है। कुछ पास्ट है गाइस जो नेक्स्ट वीक में बहुत ज़्यादा जिसमें हीलिंग एनर्जी है। पास्ट में कोई ऐसी बात है गाइस जो आपको बर्डन देती है, पास्ट की ऐसी क्या बात है गाइस जो बहुत ज़्यादा आप सोचते हो, आपके मन में लगता है आपको ऐसा कि जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए था, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा अपने मन में बर्डन रहती है, या फिर किसी से आप कोई बात खुलकर कहना चाहते हैं और बात आप नहीं कह पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट वीक में मुझे एनर्जी आपके लिए मिल रही है कि अपनी कोई बात जो आपके मन में छुपी दबी हुई है बहुत लंबे टाइम से और आप उससे किसी से कहना चाह रहे हो नहीं कह पा रहे हो, तो उस बात को आप खुलकर कह पाओगे, ऐसी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। गाइडेंस एंड सेलिब्रेशन। ओके सो बहुत अच्छी सी एनर्जी मुझे यहाँ पर नेक्स्ट 7 डेज के लिए आपकी मिल गई है जो सो गाइडेंस की एनर्जीज है गाइस यहाँ पर। बहुत अच्छी सी एक सेलिब्रेशन की कार्ड की एनर्जी है जो मुझे बता रही है कि नेक्स्ट 7 डेज में गाइस कुछ तो बहुत अच्छा जो है आप अपनी लाइफ में जो है आपको मिलने वाला है, आपको अपनी लाइफ में रिसीव होने वाला है। कोई गाइडेंस है, कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं गाइस इस नेक्स्ट 7 डेज में जो आपको मुझे कोई गाइडेंस देते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे वो पर्सन आपको कुछ समझा रहे हैं किसी भी टॉपिक पे, किसी भी विषय में। कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें आपको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है, आप ऐसा फील करोगे कि हाँ मुझे कोई इस बारे में गाइड कर दो, और वो गाइडेंस आपको किसी से मुझे मिलती हुई नज़र आ रही है नेक्स्ट 7 डेज में। कोई अच्छी गुड न्यूज़ आपको जानने मिल सकती है नेक्स्ट 7 डेज में।
एंड कोई ऐसी बात गाइस मुझे यहाँ पर लग रहा है ऐसी हो सकती है जिसमें आप अपने फैमिली के साथ एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो, या फिर कोई ऐसी कोई खुशी की बात, कोई ऐसी गुड न्यूज़, कोई अच्छा रिजल्ट आपका हो सकता है करियर से रिलेटेड, या फिर आपके रिलेशन में कोई ऐसी चीज़ आपको जानने मिल सकती है नेक्स्ट 7 डेज में, जिसमें कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को जैसे सेलिब्रेट कर रहे हो, बहुत खुश हो जाओगे एकदम से, खुशी से बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करना चाहते हैं ना किसी किसी मोमेंट को कि बहुत ज़्यादा आज अच्छा दिन है मेरी लाइफ में। ऐसी चीज़ मुझे कोई बहुत तेज़ी से आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है कि कोई बहुत अच्छा दिन आने वाला है जैसे नेक्स्ट 7 डेज में, जिसको आप बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करोगे, कोई ऐसा मोमेंट आने वाला है। तो गाइस आई होप के साथ मुझे रीडिंग है रेजोनेट की, होल्ड द टाइम, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।